साइलेंट। नंबर है ना भाई, एक भाई जरा गड़बड़ न करो भाई। हाय दोस्तों, मैं फिल्म एक्टर जमाल। मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी लॉकडाउन फर्स्ट डे, जो लोगों को खाना नहीं है, पानी नहीं है, बल्कि मेरी वीडियो वायरल हुई थी बहुत सारी, जो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी लोग देखे। मैं वही जमाल हूँ। अगर मैं चाहता तो मैं गरीबों को खाना खिला रहा हूँ, कर रहा हूँ, बल्कि लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था। ये वहाँ खामोश बैठो, बोलो। लोगों को लाखों करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं चाहा। मेरी गरीबों को खाना खिलाने करने के होटल है, मैं उसकी भी कभी पब्लिक सिटी नहीं करा, मैं कभी पब्लिक सिटी नहीं करता हूँ। मेरे ऊपर आज जानलेवा हमला हुआ, और ये मेरे को बहुत दिनों से टारगेट बना के थे ये लोग। कौन लोग थे ये टारगेट? ये नामपल्ली दरगाह यूसुफ है। मैं कभी यहाँ की पब्लिक सिटी करना नहीं चाहा। आज हमला होने की वजह क्या है? आज हमला होने की यही वजह है क्योंकि वहाँ पे रॉडिनिज्म बे इंतहा है, वहाँ बे इंतहा रॉडिनिज्म है। आज मेरी जान चले जाती थी, और जो सो वहाँ पे दुकाना कब्जा करके है, एक ही खानदान के लोगों के कई दुकाना है, जिसके किराए 30-30 हजार रुपए आ रहे। मैं फिल्म एक्टर रहते पर मैं भिखारियों को खाना खिला के, मैं 30 हजार रुपए मेरी सेविंग नहीं है, और मैं जो सो चाहता तो पब्लिक से कितना की पैसा कमा सकता था, लेकिन कभी नहीं चाहा। इसको ज्यादा किराया, ये किराया जो सो वहाँ के जो रॉडीज है, वहाँ पे जो दरगाह में हुकूमत कर रहे, जिनका कोई वजूद नहीं है। मैं मेरी उन लोगों के नामा जो सो मैं बोलूंगा, मेरे को जरा मेरा ब्लड बहुत चले गया, और मेरी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम है, मैं लेकिन हिम्मत करके आप लोगों को बोल रहा हूँ। मेरे वालदा वस्तादी माँ है, मेरे वालदा टीचर है, मेरे माँ जो सो कुरान पढ़ाते करते, इसीलिए मैं फिल्मी इंडस्ट्री छोड़ने की कई वक्त कोशिश करा, और उन लोगों नाखुश है फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ, बल्कि ये गरीबों को खाना वो किराया वबोट को अलग जाता, वबोट को देने वाला एक आदमी रहता, और दूसरों से किराया लेने वाला किराया दूसरों से वसूल करके वबोट को एक किराया देते वो लोग। मीडिएटर है, और ये दरगाह के मामले में बहुत ही अच्छा काम कर सकते अपन लोग। आप लोग अगर मेरा साथ दिए करे तो, मैं ये नामपल्ली एरिया से बहुत वाकिफ हूँ, और मेरी जान को बहुत ही धोखा है, मेरी जान को बहुत रिक्स है, मेरे ऊपर बहुत बड़ा जान को किससे रिक्स है आपको? वहाँ के उनके नाम बताइए आप। वहाँ के मैं उन लोगों के नामा बोल के उनकी पब्लिक सिटी नहीं करना चाह सकता हूँ मैं, क्यों कंप्लेंट में मैं लिखाऊंगा, और पुलिस को हुकूमत को मैं ये चाहता हूँ कि मेरा साथ दियो और सपोर्ट करो सच्चाई की। बस मारने वाले कितने लोग थे? 10-15 लोग हैं, जिसमें लेडीज भी है और जेंट्स भी है, जो औरतों के सहारा लेके जो सो उचकने वाले वो लोग, समझ गए मैं डर गया। फैसल अली शाह जो दरगाह का था ना, फैसल अली शाह एक लौते थे, उनका नाम भी बदनाम करे, और जो सो उनको फांसी पे लटकाए, लोगों में ये बोले कि फांसी लेके मर गए। हाँ, मैं आज मीडिया में आ गया नामपल्ली के ताल्लुक से, अब तक मैं मीडिया में नामपल्ली में रहता हूँ बोल के नहीं आया था। मेरी कोई होटल की किसी की पब्लिसिटी में नहीं करा। आज मैं बोल रहा हूँ हुकूमत को कि पुलिस को सख्त से सख्त एक्शन लियो बोल के, और हमारे को साथ दियो, हमारे को हिम्मत दियो, वरना हिंदुस्तान में हमारे जैसे बहुत हिजड़े बन के बैठ जाते फिर लोग। हाँ, हमले की शिकायत कराया हूँ। एक पुलिस वाले आए, एक हॉस्पिटल को ले गए थे, रक्त फट गई, खून नहीं रुक रहा, बोले जाओ उस्मानिया को बोल के, उस्मानिया को दाल लेके लेके आए, मेरे को टाके लगे और मैं गिन नहीं सका, और मेरे को अभी भी जज्बा है कि मेरा हाथ पे सूजन है, और मेरे को बहुत सारे मारा है मेरे को। ये आवाज जो है सो हक की आवाज है, बहुत मुसीबत है वहाँ पे नामपल्ली में। जो अटैक करे 10 बार आ, उसमें से कोई एक का नाम नहीं, वो पुलिस जो है सो एक्शन लेंगे उनके ऊपर। मेरी जबान से उनकी पॉपुलरिटी नहीं देना चाहूंगा, मेरे चाहने वालों की जो सो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, और मेरा नाम ऐसी नहीं हुआ, बहुत 20 साल की सर्विस है मेरी, एक ही जड़े के बच्चे को जो सो मैं ऐसी जो सो नहीं दे सकता पॉपुलरिटी। आप लोग आपका काम करिए, शुक्रिया बहुत बहुत के मेरे को आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के देखे। मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि लोगों को हक हक दिलाओ आप लोग। बहुत सारे मजबूर लोग आते हैं वहां, अभी बहुत दूंगा मैं न्यूज़, अब आ गया मैं नामपल्ली के तालुक से। थैंक यू। मेरा भाई जमाल फिल्म एक्टर है, मैं बबरची का काम करता हूं। मेरे भाई की जो है नामपल्ली दरगाह होटल है, गरीबों को खाना खिलाने की, वो होटल के सामने जैसे चप्पल वालों से कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा था दरगाह के अंदर के लोगों का, तो जो छोटा भाई जैसे वीडियो लेने निकाल के पुलिस कंप्लेंट करने के वास्ते वीडियो निकाल रहा था, जैसे वो औरतों को मारना, औरतों की लड़ाई जाके जैसे जमाल के ऊपर कातिलाना हमला कर दिया, और वहाँ पहले भी जैसे इससे पहले
हमला करे थे, कॉम्प्रोमाइज करे। अभी भी जैसे फातिलाना हमला हुआ उसके ऊपर, जैसे मारने वाले कौन है वो? मारने वाले दरगाह के अंदर रहते वो लोग। पहचानते आपके भाई, आप पहचानते उन लोगों को जो मार खाए पेशेंट? उन्होंने सबको पहचानते, और वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे है। मैं काम पे था, काम पे से जैसे मालूम होते कि गाड़ी भगा लेते आया हूँ। अभी जमाल की तबीयत बहुत ख़राब है। कहाँ कहाँ मारा पड़े जमाल को? जमाल को जैसे गुब्बत मारा मारे, और जैसे राठ से सर पे मारे। तो क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले नामपली दवाखाने में लक्कू मार पड़ा बोले, और यहाँ पे जैसे दवाखाने उस्मानिया में लेके आए। मारे से वालों कौन है आपको नहीं मालूम कुछ भी? मारे से वालों को मैं नहीं पहचानता हूँ, मैं नहीं था वहाँ पे। दरगाह में रहते, मतलब दरगाह के जिम्मेदार है या कहाँ है? दरगाह के जिम्मेदार लोग आए वो मारने वाले। नाम मालूम है किसी का? कौन सी दरगाह के? नामपली दरगाह सुफैन। हाँ, नामपली दरगाह सुफैन के जिम्मेदार लोग आए वो, लड़े झगड़ा करे तो जमाल के ऊपर। इससे पहले भी हमला करे थे, मैं जाके कॉम्प्रोमाइज कराया था। पहले जो हमला करे अभी भी वो लोग ही करे हमला। अभी जो चाकू से और जो राठ से मारे बोल के बता रहे हैं वहाँ पे, वो इतना मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन वो सीसीटीवी कैमरे निकाल के चक्कर है तो मालूम हाथ होते। मैं काम पे था, काम पे से गाड़ी भगा लेते आया, जमाल की तबीयत खराब हो रही, मारे बोले तो। मारने की वजह क्या है बोले? मारने की वजह ये है, सामने जो चप्पल की दुकान को खाली करा रहे थे वो लोग, तो जमाल जैसे वो कई से खाली करा रहे। गरीब औरत है, चप्पल छुड़ाने वाली औरत है, कई गाँव से जुलम कर रहे दे रहे गरीब औरतों के ऊपर बोल के। बीच में गया जमाल छुड़ाने के वास्ते, तो वो औरत को छोड़ के जैसे जमाल के ऊपर हमला कर दिए लोग। जमाल बोले तो कौन है ये जमाल? ये जमाल जो है तो मेहरून काम भाग गई बोलिए, जो फिल्मों में जो काम करते हैदराबादी फिल्मों में जी, वो जमाल है, हैदराबादी फिल्मी एक्टर जमाल है। अपना कंप्लेंट कराए हम लोग हबीबनगर पीएस को जाके कंप्लेंट दिए, और जैसे वो लोग जो मारे वो लोग जैसे क्या करे मारे तब मार के भाग गए, उनके औरतों को जैसे हबीबनगर पीएस में लेके आके बिठा दिए। हम औरतों को ऊपर मारे वो करे बोल के, जबकि नजवारा जने मारे बोल के बता रहे वहाँ के लोग। तो कौन है वो लोग? वो लोग है कौन? रोडिया है? रोडिया है वो लोग, नामपली दरगाह सुफैन में रहते रोडिया है वो लोग। क्या दरगाह के अंदर? दरगाह के अंदर, दरगाह के अंदर रहते वो लोग। नहीं, दरगाह के जिम्मेदार है कोई? दरगाह में क्या होता है वो लोगों का? दरगाह में क्या होता है वो तो नहीं मालूम मेरे को, लेकिन दरगाह में काम करते हुए वक्फ की तरफ से बोल के इतना मालूम है। जानलेवा हमला हुआ मेरे को कई दिनों से टारगेट बना के है। जो ये लोग जो सो बहुत राउडी निकम कर रहे हैं दरगाह में, जो सो बहुत सारे दुकान जो कब्जा कर दिए है। आज एक चप्पल वाली को जो सो ये लोग जो सो नाजायज तकलीफ दे रहे थे चप्पल वाली को, तो मैं वीडियो निकालने गया तो पूरे मिल के मेरे ऊपर अटैक करे। मैं मेरी नामपल्ली में दरगाह में बोल के आज तक मैं मीडिया में नहीं बोला। मैं चाहता तो करोड़ों रुपये का मार सकता था। बोल के बोलना जी बच्चम कर। हाँ, रिपोर्टर का क्या सीखते हैं? मैं फिल्म एक्टर जमाल, मेरी नामपल्ली दरगाह के सामने होटल है। ये कई जनों में राउडी निगम मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये भिखारियों का कारोबार है बोल के आज तक मीडिया में नहीं बोला करा। मैं